अनाउंसमेंट बंद कर दिया। हम लोगों के कहने के बाद 17 राउंड की काउंटिंग तक अनाउंसमेंट नहीं किया। तमाम मशीनों की सीलें टूटी थी, बीच बीच में लिख करके भी वहां दिया गया कि इनको वीवीपैट चेक कराओ, कोई चेकिंग नहीं कराई गई। मीडिया के लोगों तक को अंदर नहीं जाने दिया। सारे के सारे अधिकारी कर्मचारियों ने मनमानी की और बेईमानी करके और समाजवादी पार्टी को हरा के सरकार को जिताने का काम अधिकारियों ने किया। हमारी मांग है कि वीवीपैट चेक कराया जाए, पुनः जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, इसलिए कि ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप पूरे देश के सभी दलों ने लगाया, इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा वीवीपैट में लगा रहा हूं, जिससे कि लोगों को भरोसा रहे। आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट चेक करा दिए जाएं, 20% चेक करा दिए जाए। हम उतने में संतुष्ट हैं, उतने चेक करा दिए जाए, लेकिन वीवीपैट चेक नहीं कराया जाए, इसलिए लिखा पड़ी एप्लीकेशन दे दी गई है। चेक कराओ। सरकार को जिताने के लिए अधिकारियों ने बेईमानी की है, सरासर समाजवादी पार्टी को हराया है, लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो और रिकाउंटिंग कराए। मुहिम कब तक ये चलती रहेगी? अभी चलती रहेगी, ये तो संघर्ष है, राजनीति में तो चलता रहेगा। और हमारी अब हम लोग मांग करेंगे पार्टी के द्वारा भी कि आगे के चुनाव मतपत्र से जो भी हो मतपत्र से हो, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों का काम है, आज देखिए सब 10 राउंड तक 11 राउंड तक ठीक चल रहा था, इसके बाद फोन ऊपर से आता है, जिलाधिकारी जाकर के आते हैं, बार एक डेढ़ घंटे बाद माहौल बदल जाता है। हमको कई मीडिया के लोगों ने कहा कि देख लीजिए ये निश्चित तौर पर धांधली हो, एजेंट को निकाल दिया। मीडिया कभी भी काउंटिंग में मीडिया को अलग नहीं किया गया, मीडिया सदैव रही है। पहली बार ये काउंटिंग हुई है जब मीडिया को उस कैंप में घुसने नहीं दिया गया, रहने नहीं दिया। मीडिया रहती तो कम से कम चौथा खंभा है वो भी देखती कि क्या हो रहा है। नहीं हुआ भी, हुआ भी, मीडिया निकाला उन्हें। 17 राउंड के अंदर गिनती हो चुकी थी, हम लगातार प्रेक्षक से बात कर रहे थे, वो बोले अभी हो रहा है। 11वें राउंड पर 2600 वोट से सपा आ गई, इन्होंने प्लान करके बेईमानी करके समाजवादी पार्टी को हराया। जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है, वोट दे करके जनता ने और जिताया है। मशीनों की बहुत सारी सीटें खुली थी, तमाम तरीके की धानागर्दी जिला प्रशासन के द्वारा की गई, एजेंटों को भगा दिया गया बाहर और काफी देर तक काउंटिंग बंद रहे। हमारे कहने के बाद, प्रेक्षक के कहने के बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई, तो बोले नहीं नहीं हम अभी करा रहे हैं और जल्दी करा दें। 13,400 जितने से जीत है, ये एक घंटे डेढ़ घंटे यहाँ काउंटिंग चल रही है और डेढ़ घंटे पहले टीवी में चल रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। तो इस तरीके से ये सरासर बेईमानी है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। सरकार का ये चुनाव था, 9-10 महीने में जनादेश सरकार के खिलाफ है, ये वोट देने से पता चल गया। वीवीपैट चेक कराने के लिए 3 बार एप्लीकेशन वहां दी गई, ये तीनों एप्लीकेशन है जिस पर प्रत्याशी ने दस्तखत करके दिया, लेकिन पहले आरओ महोदया ने कहा कि हम अभी चेक कराएंगे, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने बाद में मना कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं चेक कराएंगे। लिख के दिया गया, लिख के देने के बाद भी वीवीपैट उन्होंने चेक नहीं कराया, जबकि चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने, ये जब ईवीएम पर बहुत विवाद उठा तो इन्होंने कहा कि नहीं इसमें वीवीपैट लगाया जाएगा, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी काउंटिंग में होती है और उसको विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हम वीवीपैट चेक कराते हैं। हमारी केवल एक ही डिमांड थी आज कि वीवीपैट ये चेक करा देते, हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, आपने अभी यहाँ प्रवेक्षण की गाड़ी रोक दी, आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी मुहिम कहाँ तक लड़ाई रहेगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यालय आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आयोग से भी बात की, सब जगह उन्होंने बात की। सरासर
बेईमानी है ये पूरी जनता जानती है, यहाँ के प्रशासन जानता है, यहाँ के मीडिया के लोग जानते हैं कि अगर निष्पक्ष ढंग से आज भी वीवीपैट चेक करा दिए जाएं तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी भी हम इसके लिए रिकाउंटिंग की मांग करेंगे, न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और प्रयास करेंगे कि वीवीपैट जो इनकी मशीन के साथ कागज की स्लिप है उस पर नंबर नहीं उड़ा सकते तो वो चेकिंग हो, और वो उसको इन्होंने खारिज कर दिया और तानाशाही तरीके से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया।